19 जनवरी को जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह से मुक्ति को लेकर बनाए जाने वाली मानव श्रृंखला की जागरूकता को लेकर भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय के मैदान में गुरुवार को बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी विभाग के कर्मी, मुखिया, सरपंच सहित राजनीतिक जनप्रतिनिधि के अलावा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जल जीवन हरियाली का उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाना, नशा मुक्ति अभियान को और सशक्त करना, बाल विवाह से मुक्ति को सशक्त करना। मई जून में पानी का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, अगर समय रहते नहीं चेतेंगे, नहीं सोचेंगे तो देर हो जाएगी और मेरा मानना है कि पूरा मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। जल के लिए सरकारी योजना चलाई जा रही है, पर वह तभी साकार होगा जब आम नागरिक जागरूक होंगे। इनकी भाषा, इनकी शैली काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ जिला के कार्यक्रम में भी आपको आमंत्रित करना चाहिए और अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी जिस तरीके से अपने वक्तव्य में हमको आश्वस्त किया है, मैं समझता हूँ मेरे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मेरे आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मानव श्रृंखला में भाग लेने हेतु आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों से अनुरोध करना। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, लेकिन इतने दूर से आया हूँ तो कुछ समय तो आपका मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री रामदेव राय जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री भूमिपाल राय जी, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद जी, लोजपा के प्रखंड उपाध्यक्ष अनिल पासवान जी, जिला परिषद सदस्य पंकज पासवान जी, मुखिया संघ भगवानपुर के प्रतिनिधि नंदलाल राय जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष चंदन शर्मा जी, नरहरीपुर के पैक्स अध्यक्ष नरेश राय जी, जोकिया के मुखिया श्री अशोक राय जी, किरतपुर मुखिया श्रीमती आशा देवी जी, संजात पंचायत के मुखिया बनारसी पासवान जी, बनवारीपुर मुखिया लग रहा है कि जो सूची बनाई गई है उसमें कुछ त्रुटि कर दी है।